हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करण जी के वर्षांक। इसमें हम पढ़ेंगे जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। इसका पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। आज इसका पार्ट सेकेंड होने जा रहा है, राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमारे चैनल पर सीईटी कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिसने भी नहीं देखा सबसे पहले इसको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसमें हम देखेंगे जो राजस्थान करंट जी के वार्षिकांक चल रहा है, इसमें हम राजस्थान का करंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी आर्थिकी, सारे ही विषयों को देखेंगे। स्पेशल फॉर सीईटी, रीट, आरओईओ, आरएस, एलडीसी एग्जामों के लिए, उसके साथ साथ सभी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से क्या रहेंगे, उपयोगी रहेगा ये राजस्थान करंट अफेयर्स। तो बिना देरी करे आ जाइए, देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो बताइए चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, ठीक है ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है? ओथ मतलब शपथ कौन दिलाता है, आपके सामने ये प्रश्न है। ये जो चीफ जस्टिस हैं ये कौन से नंबर के हैं, इनका नंबर बताना है कि राजस्थान में ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। जैसे ऑप्शन दूं मैं आपको, ए ऑप्शन हो जाएगा 25वें, फिफ्थ 25th, बी ऑप्शन हो जाएगा 30th, सी ऑप्शन हो जाएगा 40वें नंबर के, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा 41st नंबर के। तो बताइए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रश्न नंबर एक, ये हो गया प्रश्न नंबर दो, और इसके बाद आपके सामने प्रश्न है कि राजस्थान के जो गवर्नर हैं, प्रश्न नंबर तीन यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के गवर्नर को ओथ, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चार ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसे कि सी ए जाए चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीएम। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, ठीक है, और डी ऑप्शन हो जाएगा चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बताइए इनको शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपको प्रश्न के आंसर देने हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चर्चित स्थान स्थापना अभियान एंड समारोह, इससे पहले हमने देखिए इसका पार्ट वन देखा था, पार्ट वन में हमने पढ़ा था चर्चित व्यक्तित्व। तो जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, आ जाइए इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रदेश के किस स्थान पर सबसे ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्व किया गया, ना विश्व की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नाथ द्वारा राजसमंद में, अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी हाइट कितनी है? इनकी हाइट है 369 फीट, ठीक है, ये याद रखना है, 369। अब देखो तीन के बाद 6 के बाद 9, तीन की टेबल हो गई, याद रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ आ जाइए, 22 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के किस स्थान पर 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया, ये भी नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया है। किसने किया है? रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इसका अनावरण किया। अब देखिए स्टूडेंट, प्रदेश के किस संस्था में, अब जैसे DRDO लिखा हो तो DRDO को फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इंडस्ट्री अकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया, DRDO का उत्कृष्टता केंद्र IIT जोधपुर के अंदर किया गया है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ आ जाइए, देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट पावर का प्लांट लगाने के लिए मेमोरेंडम साइन किया है? किसने किया है? नॉर्वे ने किया है, ठीक है, कितने करोड़ का? 280 करोड़ रुपए का। तो यहाँ से आपके, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम है नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और KLP, याद रखना KLP क्या है,
केएलपी एक लार्जेस्ट पेंशन फंड कंपनी है नॉर्वे की, ठीक है। ये दोनों मिलके नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड केएलपी सौर ऊर्जा परियोजना, क्या नाम है परियोजना का, थार सूर्या वन, ये भी इंपॉर्टेंट है। थार सूर्या वन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी कंपनी, नॉर्वे की कंपनी है, कौन सी है, नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड केएलपी, है ना। ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं, थार सूर्या वन में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब जो थार सूर्या वन है इसमें जो नॉर्वे कंपनी है इसका हिस्सा कितना रहेगा, 49% इसका हिस्सा रहेगा, 49%, ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब जो ये जो 420 मेगावाट का पावर प्लांट है इसे लगाएगा कौन, इसे लगाएगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जिससे आप पढ़ सकें, ठीक है। इसे लगाने का कार्य, इंस्टॉल करने का कार्य कौन करेगा, इतावली कंपनी है, एनएल ग्रीन पावर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ENEL ग्रीन, ठीक है, पावर ये कंपनी लगाएगी, ये वाली, ठीक है, एनएल ग्रीन पावर इसको इंस्टॉल करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वापस से रिवाइज कर लीजिए, हाल में किस देश, कौन सा देश कहाँ लगा रही है, सबसे पहले तो बीकानेर में लगा रही है। कितने पावर, कितने मेगावाट का है, 420 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी, ठीक है। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, 280 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। कौन सी देश है, नॉर्वे कंपनी है, नॉर्वे देश की कंपनियां हैं, है ना। नॉर्वे इसका हिस्सा कितना रहेगा, 49% रहेगा। परियोजना का नाम क्या है, सूर्या वन, परियोजना का नाम क्या है, थार सूर्या वन, ऐसे याद रहे, थार का सूर्या वन, थार सूर्या वन, ठीक है। परियोजना का नाम क्या है, थार सूर्या वन, ठीक। यहाँ देखिए, अब कौन सी कंपनियां हैं, नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड हो गई और केएलपी हो गई, ये दोनों मिलके लगाएंगे और इसको इंस्टॉल कौन करेगा, एनएल ग्रीन पावर करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आ जाइए, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं पहरी, ठीक है, पहरी आवासीय योजना, देखो यहाँ पर नीचे पढ़ लीजिए, मुख्यमंत्री शिक्षक पहरी आवासीय योजना का लोकार्पण नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने किया। इस आवासीय योजना में विभिन्न सुविधाओं से युक्त 576 प्लॉट राजस्थान आवास मंडल ने बनाकर दिए हैं। तो ये कहाँ पर लगाया जा रहा है, ये प्रतापगढ़ जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर वो करिए, ये आवासीय योजना प्रारंभ, प्रतापगढ़ जयपुर से, यहाँ पर आप जाइए जयपुर में, प्रतापनगर में, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रदेश के किन दो शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाए जाएंगे, तो कौन दो शहरों में लगाए जाएंगे, पहला तो प्रतापगढ़ और दूसरा जयपुर। प्रतापगढ़ क्यों लिया आपने, ये देखा, प्रतापगढ़ इसलिए लिया है क्योंकि पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान में प्रतापगढ़ से ही स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट तो पहले लगने हैं और उसके बाद में कहाँ लगेंगे, जयपुर में लगाए जाएंगे। तो इन दो शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस के लिए पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। आज ये इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दूरसंचार विभाग एसटीडी और पीसीओ की तर्ज पर, जैसे पहले पुराने ज़माने में क्या चलते थे, एसटीडी पीसीओ पॉइंट चलते थे, अब तो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उन्हीं की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 100 से 200 मीटर की रेंज, देखो ये रेंज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेंज पर भी, तो आप इसको याद रखें, 100 से 200 मीटर की रेंज पर निजी वेंडर, प्राइवेट वेंडरों के सहयोग से वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट्स का जाल बिछाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म हो गई पीएम वाणी की, क्या हो गई, पीएम वाणी की फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रयोग जयपुर और प्रतापगढ़ में किया जा रहा है, सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2020, ठीक है, पीएम वाणी योजना की शुभारंभ कब किया था, प्रतापगढ़ से किया था, दिसंबर 2020 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। मोबाइल प्लान की तरह पीएम वाणी डेटा प्लान की तरह पीएम वाणी डेटा प्लान अपने हिसाब से ऑनलाइन रिचार्ज करवाया जा सकेगा। ध्यातव्य है कि पीएम वाणी योजना का शुभारंभ प्रतापगढ़ से हुआ था। अब देखिए, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक रूड़ा, ठीक है। अब रूड़ा की फुल फॉर्म क्या है, रूरल नॉन डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। देखो ये रूड़ा, रूड़ा की फुल फॉर्म हो गई रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाज़ार कहाँ लगाया गया, तो पहला क्राफ्ट बाज़ार लगाया गया अलवर में। कहाँ लगाया गया, अलवर में लगाया गया, मैं थोड़ा सा वहीं वापस आ जाता हूँ, तो कहाँ लगाया गया, अलवर में लगाया गया, ये थोड़ा सा हिल गया था, सॉरी उसके लिए, है ना। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, 26 सितंबर को अलवर में शिल्प ग्राम क्राफ्ट बाज़ार 2022 का शुभारंभ किया गया। बस आपको ये याद रखना है कि जो ये रूड़ा का पहला क्राफ्ट बाज़ार लगाया गया है, तो ये कहाँ लगाया गया, अलवर में लगाया गया, क्योंकि लोकेशन वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, रूड़ा की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर स्थानीय हस्तशिल्प
एवं दस्तकार भी मौजूद रहे। बाजार में राज्य एवं वित्तीय प्रांतों के दस्तकारों द्वारा विभिन्न उत्पादों के लगभग कितने 60 स्टॉल लगाए गए। इस बाजार में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड आदि राज्यों से हस्तशिल्पों की बेजोड़ कलाकृतियाँ बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध रहीं। तो आप ये देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न स्टेटों से भी यहाँ पर प्रेजेंट वो क्या बोलते हैं उसको स्टॉल्स लगाई गई हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। जो जाइए आप देखिए और ख़रीद भी सकते हैं। अब ये देखिए जो रूलर है, ये रूडा है, रूडा की एस्टेब्लिशमेंट कम हुई थी, इसका ईयर पूछ लेते हैं कई बार, है ना, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये हुआ था 1995 में, कौन सी डेट भी पूछ लें तो डेट नवंबर में, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, नवंबर याद रख लीजिए, नवंबर 1995 में रूडा की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। की एजेंसी अब यहाँ पर देखिए रूडा राजस्थान सरकार द्वारा 1995 में की गई थी, यहाँ पे लिखा हुआ भी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रदेश की महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाए जाने की योजना की है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि पढ़ने में नहीं आती, फिर ज़्यादा होच पोच होता था, थोड़ा साफ रहना चाहिए, स्क्रीन क्लियर रहनी चाहिए। अब यहाँ देखिए गर्ल फ्रेंडली है ना, गर्ल फ्रेंडली बनाना है, कितनी ग्राम पंचायतों को, दो ग्राम पंचायतों को हमें क्या बनाना है, गर्ल फ्रेंडली बनाना है प्रत्येक जिले की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान में कितने जिले हैं टोटल, तो राजस्थान में कितने जिले हैं टोटल 33 जिले हैं, 33 जिले हैं, और 33 जिलों के हर जिले की अगर दो ग्राम पंचायतों को बनाया जाएगा तो कितनी 66 ग्राम पंचायतों को हमें क्या बनाना है, गर्ल फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। गर्ल फ्रेंडली का सिंपल सा मतलब है कि जैसे बालिकाओं का जन्म है ना, बालिकाओं को कोख में ना मारा जाए, उनके जन्म पर क्या उत्साह बनाया जाए, उनको एजुकेशनल, आर्थिक, इकोनॉमिक रूप से क्या होगा डेवलप किया जाए। आ जाइए इनके बारे में देखते हैं, है ना, यहाँ पर पढ़ते हैं। राज्य सरकार ने महिला अधिकारिता निदेशालय ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा उनको शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से, है ना, शैक्षिक मतलब एजुकेशनल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली सशक्त मतलब एम्पावर करना है के उद्देश्य से जिले की में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ देखिए महिला अधिकारिता निर्देशालय, ठीक है, एक पॉइंट तो ये, और दूसरा हो जाएगा UNFPA के समन्वय से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर जिला, अच्छे से याद रखना है क्योंकि गर्ल फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट है, वो जो प्रोग्राम है गर्ल फ्रेंडली प्रोग्राम, ये सब बिगिन कहाँ से किया गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर से स्टार्ट किया गया। अब सवाई माधोपुर में कितने 7 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया इसके तहत, ठीक है। अब राज्य में प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को इसी तरह विकसित किया जाएगा। इस बालिका सशक्तिकरण अभियान में विभिन्न जिले स्तरीय अधिकारी, पंचायतों, साथी, सुपरवाइजरों की भूमिका क्या रही, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। आ जाइए यहाँ देखिए रिको द्वारा किस स्थान पर पेट्रोजोन RPZ, अब RPZ की फुल फॉर्म क्या है एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए। आर से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, और पी से हो जाएगा पेट्रो, जेड से हो जाएगा जोन, ठीक है, आपको ऐसे पता होना चाहिए। विकसित किया जा रहा है तो यहाँ कहाँ किया जा रहा है, पंचपदरा बाड़मेर में किया जा रहा है, कौन कर रहा है, रिको, ठीक है, RIICO याद रखना है। रिको द्वारा किस स्थान पर पेट्रोजोन RPZ विकसित किया जा रहा है, तो पचपदरा बाड़मेर में किया जा रहा है। इसी तरह के एग्जाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आ जाइए अब देखिए 30 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया। आपको याद रखना है कौन से नंबर का था, 73rd नंबर का था, कौन सा महोत्सव है, वन महोत्सव है, राज्य स्तर मतलब स्टेट लेवल का है, ठीक है, उद्घाटन किया तो ये किया था मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र। अब ये मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र कहाँ पर है, ये है जोधपुर के अंदर, ठीक है, कभी आप जोधपुर जाएँ तो मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र में भी देख कर आ जाएँ, घूम फिर के आ सकते हैं, तो आ जाइए क्योंकि इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं आपको ज़्यादा एनहेंस कर, आपको एनर्जेटिक करती हैं, ठीक है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ जोधपुर के मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र से किया गया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इस अवसर पर यहाँ 20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पद्मश्री कैलाश सांखला की स्मृति वन का उद्घाटन भी किया गया है,
और लवकुश वाटिका कहाँ पर, यहीं पे बनाया गया है, कैलाश श्रृंखला स्मृति वन में लवकुश वाटिका और बॉटनिकल गार्डन का भी लोकार्पण किया गया है। आप थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं, कौन सा, कैलाश श्रृंखला स्मृति वन, ठीक है, कहाँ पर, मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूपाखेड़ा और तांबेसरा, रूपाखेड़ा तांबेसरा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन खनिज क्षेत्रों का संबंध किस खनिज से है जिसके खनन पट्टों की ई नीलामी अगस्त 2022 में की गई थी, तो इसका संबंध किससे, मैग्नीज से। और ये कहाँ पड़ेंगे, ये बांसवाड़ा में पड़ेंगी ये जगह, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना, रूपाखेड़ा और तांबेसरा। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, आपको बताना है यहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है ना। एक तो क्या, सतीपुरा, सतीपुरा, दूसरा हो गया जैतपुरा, तीसरा नाम हो गया, आपको क्या है ये नाम पता होने चाहिए, भारू सरी, ठीक है, चौथा हो गया लखा सर, अभी क्या है न्यूज़ में थे ये सारी जगह, और यहाँ से टोटल इन सब से मिलाकर 2400 मिलियन मैट्रिक टन हमें किसके भंडार मिले हैं, तो हमें मिले हैं पोटाश के भंडार, किसके मिले हैं, पोटाश के भंडार यहाँ से हमें मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। और ये कौन से बेल्ट में पड़ेंगे, ये पड़ेंगे हमें गंगानगर बीकानेर बेसन में, ठीक है, गंगानगर बेसन के बीकानेर हनुमानगढ़, आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, लिख देता हूँ, गंगा नगर के बीकानेर, बीकानेर प्लस हनुमानगढ़, ठीक है, बीकानेर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर बेसिन के बीकानेर हनुमानगढ़ जिले में हमें ये देखने को मिलेंगे, सतीपुरा, जैतपुरा, भारूसरी और लखासर, ठीक है, किसके भंडार मिलते हैं, पोटाश के भंडार मिलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आ जाइए अब वापस है अपने, इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं और इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर देते हैं इन चीज़ों को, जिससे हम आगे पढ़ सकें, ठीक है। अगर ये इतनी चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो बताइए, रूपाखेड़ा तांबेसरा में किसके भंडार मिले हैं, मैग्नीज के भंडार मिले हैं, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट पूछा है आपसे सतीपुरा, जैतपुरा, ठीक है, भारूसरी, लखासर में हमें किसके भंडार मिले हैं, हमें पोटाश के भंडार मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछूंगा मैं आपसे ये जगह का नाम, ठीक है, तब भी आपको पता होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं, या फिर बंद करें लेक्चर्स, है ना, आगे चाहिए तो बताइए, नहीं चाहिए तो वो भी बताइए, ठीक है, अगर नहीं चाहिए होंगे तो बंद कर देंगे, फालतू में कोई टाइम वेस्ट करना है आपका, है ना। आ जाइए, खान विभाग ने अगस्त माह में बांसवाड़ा जिले में रूपाखेड़ा व तांबेसरा खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, साथ ही राजसमंद जिले में देखो नेगडिया ब्लॉक में भी मैग्नीज के खनन पट्टों की नीलामी की गई है, तो बांसवाड़ा के साथ में कौन सा जिला, राजसमंद याद रखना है, और जो राजसमंद में कौन सा, नेगडिया ब्लॉक, ठीक है। पिछले दिनों बांसवाड़ा के कालाकोटा में भी मैग्नीज के खनन के पट्टे में की नीलामी की गई थी, तो ये तीन चार नाम, पाँच चार पाँच नाम है, जैसे रूपाखेड़ा, तांबेसरा, ठीक है, उसके बाद नेगड़िया कहाँ पर, राजसमंद में, और कालाकोटा, बांसवाड़ा का कालाकोटा, यहाँ पे भी हमें क्या है, मैग्नीज के भंडार मिलते हैं देखने को, और लीलवानी में भी मिलते हैं, ठीक है, बांसवाड़ा में, लीलवानी में भी हमें मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 अक्टूबर 2022 वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के 6 दिन बाद क्या आएगा, वायुसेना दिवस आएगा, ऐसे याद कर लीजिए। कि अवसर पर स्वदेश निर्मित कौन से नए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, तो हमने खुद ने निर्मित किए हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH, ठीक है, क्या बोला जाता है, LCH बोला जाता है, तो ये है जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किसने किया है, कौन से देश ने किया है, तो ये हमने इंडिया ने किया है, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर 2022। भारतीय वायुसेना जोधपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 नए स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए जा रहे हैं। ये नए LCH पुराने रूसी हेलीकॉप्टर MI-35 व MI-25 के स्थान पर तैनात किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अगस्त 2022 के स्थान पर पन्ना धाय, उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किया है, उदयपुर से किया है, उदयपुर, उदयपुर 10 बार बोलिए, उदयपुर, चंदन, उदयपुर, उदय सिंह, उदयपुर, पन्ना धाय, उदयपुर, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, मेवाड़ के इतिहास में त्याग और बलिदान के प्रति पन्ना धाय, उदय सिंह, चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है।
अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में सब पता चल जाएगा, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इन सभी का। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किन स्थानों पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? तो देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ का संबंध किधर से है? इनका संबंध जोधपुर साइड से है, तो इधर जोधपुर, जिसका संबंध जिधर उसका उधर, ठीक है, जिसका संबंध जिधर से होगा उसका उधर ही हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। देखो प्रचार प्रसार क्या करेंगे, उसकी मूर्ति वूर्ति लगा देते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, जोधपुर से संबंध था, वीर दुर्गादास राठौड़ किधर के थे, जोधपुर की तरफ के थे। और देखो कहाँ, कौन सा, सालवा काला गांव, कला गांव है ना, सालवा काला कला गांव, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर जिले के सालवा काला गांव में साहस शौर्य और स्वामी भक्ति के प्रतीक के वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखो जोधपुर में कौन कर रहे हैं, जोधपुर में रक्षा मंत्री कर रहे हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। और जब अपन ने ऊपर पढ़ा था तो ऊपर किसने किया था, ऊपर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही किया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रतिमाओं का अनावरण कौन कर रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री कर रहे हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती पर के अवसर पर अनावरण की गई वीर दुर्गादास राठौड़ की पंच धातु की यह मूर्ति 12 फीट ऊंची है, 1400 किलोग्राम वजनी है, 12 फीट और 1400 किलोग्राम, थोड़ा सा याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, हालांकि इतना डेप्थ में आने की संभावना कम ही रहेगी। प्रतिमा को स्थापित करने की जिम्मेदारी जोधपुर के NRI अमेरिकन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप करण ने ली है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से आप सोचिए कि इंटरनेशनल सेंटर है, किस काम में आएगा ये सेंटर, है ना, उसी से आपको याद रह जाएगा कि झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में एक्चुअली क्या है। ये जो हमारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, ये दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है। इस सेंटर में क्या होगा, 750 क्षमता तक के तो ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे और 500 दर्शक क्षमता का क्या बनाए जाएंगे, कन्वेंशन सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा, वे 2 मिनी ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे याद रखना है, एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हो रही है ना, उन सब पे क्या होगी, रिसर्च होंगी, तो कहाँ पर है, जयपुर में ये डेवलप किया जा रहा है, और जो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जयपुर में भी कहाँ पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, उसके पास में डेवलप किया जा रहा है। देखिए राजीव गांधी 78वीं जयंती किस रूप में मनाई जाती है, सद्भावना दिवस के रूप में, राजीव गांधी की जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित पुराना सूचना केंद्र सवाई मानसिंह अस्पताल के पास राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCET का शुभारंभ किया। इस सेंटर पर राज्य में आधारित है ना IT आधारित शिक्षा मजबूत होगी, IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या होगी, एजुकेशन डेवलप होगी और युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय क्या दे सकेंगे, हम ट्रेनिंग दे पाएंगे, प्रशिक्षण दे पाएंगे और वो बच्चे ले पाएंगे, ठीक है। एडवांस तकनीकी ट्रेनिंग है ना, तकनीकों का ट्रेनिंग को किस किस चीज़ में देंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन जैसे फील्ड में हम क्या करेंगे, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या होगा वो सुनहरे भविष्य के साथ में देश की प्रोग्रेस में भी अपना योगदान दे सकें। विश्वविख्यात IT कंपनियों द्वारा संचालित एंड सर्टिफाइड कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। अब देखिए प्रदेश के किन शहरों में G20 देशों के शिखर सम्मेलनों का पहला सत्र आयोजित होगा, तो ये कहाँ होगा, उदयपुर में होगा, ठीक है। इस पर हमने डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी बना के चैनल पे अपलोड कर दिया था, जिसने नहीं देखा वो वहाँ से भी देख सकते हैं। December 2022 में G20, उसमें G20 और ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छे से, तो इस लेक्चर को जरूर देख लें। चलो इसका जो लिंक है, मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जिससे क्या होगा आप इसको देख लेंगे तो आपकी और तैयारी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा, इसके बाद नवंबर 2023 तक सम्मेलन के अन्य सत्र देशों के कई शहरों में आयोजित होंगे। भारतवर्ष में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन को मेजबानी करने जा रहा है, जिसके लिए समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अधिकारियों के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अब देखिए ईट राइट स्कूल है क्या, 37 राजकीय विद्यालयों की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये FSSAI क्या करती है, ये खाने की जांच करती है और ये बताती है कि खाना खाने लायक है कि नहीं है, कि उसके अंदर उसको खाने के बाद में फूड पॉइजनिंग हो जाएगी या फिर उसके अंदर किस तरीके के मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये FSSAI ये क्या करती है, ये जो स्कूल्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर कैंटीन होती हैं, ढाबे होते हैं, तो उनके खानों के फूड क्वालिटी को चेक करके बताती है। अब इसने क्या करा, ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र दिया है, किसको दिया है,
37 राज्य के विद्यालयों को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के मापदंडों पे ये स्कूल खदरे उतरे हैं। ठीक है, इनके जो खाने की गुणवत्ता थी वो कैसी थी, अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करा रहे थे, इसीलिए ईट राइट स्कूल इन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड दिया कि यहाँ पे स्कूलों में बहुत अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेयर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। तो आपको क्या करना है, ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, 19 से 20 अगस्त 2022, ऐसे 3-4 बार बोलिए, आपको डेट याद रह जाएगी कि राजस्थान डीजी फेयर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। तकनीक एवं उद्यमिता क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान डीजी फेयर 2022 का आयोजन 19 से 20 अगस्त 2022 को किया गया। राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय बहुआयामी डीजी फेस्ट का उद्देश्य क्या था कि जो युवाए होते हैं, यंगस्टर्स हैं, वो अपना खुद का स्टार्टअप्स खोल सकें, निवेशकों को मतलब क्या कर सकें, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, कॉरपोरेट्स भागीदारी, शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना था, जिससे क्या होगा कि अगर कोई स्टार्टअप्स है तो उसको फंडिंग दी जा सके, एक ही मंच पर लाकर बड़े पैमाने पर सरकार और जनता के साथ बातचीत सहयोग की सुविधा प्रदान करना था। 2 दिवसीय डीजी फेस्ट में राज्य भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और ATL का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त है ना 45 IT स्टार्टअप्स अपने अपने स्टार्टअप्स उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया। अब यहाँ देखिए वेब माई वे, तो ये क्या था, ये जो डीजी फेस्ट है 19 से 20 अगस्त को होता है राजस्थान डीजी फेस्ट 2022, इसमें क्या था वेब माई वे। अब इसमें इसकी क्या है, ये एक तरीके का डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है वेब माई वे। इसमें आपको जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट में है ना, तो जैसे जल विभाग है तो जल विभाग से रिलेटेड आपको कोई क्या है वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो वेब माई वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाकर आप है ना अपने क्या बना सकते हैं, एक वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेमवर्क राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है पहला अपनी तरह का वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे किसी भी विभाग की डायनामिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। इससे विभिन्न आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनामिक फॉर्म एवं वेब पेज बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वेबसाइट का निर्माण करने वाले डेवलपमेंट कौन सा वेब माई वे है ना, अब www.webmyway.rajasthan.gov.in का क्या करा, लोकार्पण बिड़ला ऑडिटोरियम में किया, आयोजित किया, जो 2 दिवसीय डीजी फेयर 2022 में किया। अब देखो विसरॉन क्या है, ये पहला एग्रीकल्चर ड्रोन है, पहला क्या है विसरॉन, पहला एग्रीकल्चर ड्रोन है जिसका प्रदर्शन राजस्थान डीजी फेयर 2022 में किया गया। भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है ना, इंडिया में डेवलप किया गया फर्स्ट एग्रीकल्चर ड्रोन है विसरॉन, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ राजस्थान में होंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो तो पूछ ही जाएंगे। राज संबल दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चे एवं वयस्कों के बीच उपचार के लिए राजस्थान संबल पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्राउड फंडिंग के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों के महंगे इलाजों के लिए इस पोर्टल से राशि एकत्रित की जा सकती है। तो राज संबल क्या है, एक तरीके से एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पर है ना जो भी कोई भामाशाह अपना मतलब डोनेट करना चाहते हैं गंभीर बीमारियों के लिए, जैसे बच्चे ग्रसित है, कोई वयस्क है, तो उनका इलाज आसानी से किया जा सके। प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, ठीक है, ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है, तो जयपुर वाला कौन सा, जयपुर के स्टेशन को हमने क्या दिया, ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला, हमने नहीं दिया मतलब उन्होंने दिया। अब देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जयपुर रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला और देश का 11वां ईट राइट स्टेशन घोषित का सर्टिफिकेशन प्रदान किया है, किसने दिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये जयपुर इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा नंबर आया, 11वां नंबर आया जयपुर का पूरे देश भर में, और राजस्थान का पहला हो गया। प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है ना, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इस पर थोड़ा जोर दीजिए, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ठीक है, ज़्यादा ही कला हो गया, ये वाला कर देते हैं ना, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने प्रदान की है, तो किसको कर दिया, उदयपुर को दिया, थोड़ा इसको क्लियर ही कर देते हैं, एक्चुअली स्क्रीन क्लियर रहेगी तभी अच्छा लगेगा, ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। राज सीको द्वारा संचालित किए जाने वाले एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना उदयपुर में होगी, कहाँ पे होगी, उदयपुर में होगी, ये उदयपुर अच्छे से याद रखना। उदयपुर से हस्तशिल्प, इमारती पत्थर, खनिज उत्पादन और फल सब्जियों आदि के आयात व निर्यात की सुविधा इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से उपलब्ध कराई जा सकेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2022 को जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में राज्य के कौन से संस्थान टॉप 100 में शामिल हैं, तो कौन कौन से, पहले नंबर पर बेट्स पिलानी,
ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे एम्स जोधपुर, तीसरे नंबर पे वनस्थली विद्यापीठ और चौथे नंबर MNIT जयपुर। तो आपको ये थोड़े से याद रखने हैं, बिट्स पिलानी, एम्स जोधपुर, वनस्थली विद्यापीठ, ये कहाँ पे पड़ेगा, टोंक निवाई, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, टोंक निवाई जयपुर के पास में ही है, ठीक है, और MNIT जयपुर। अब देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस सूची में प्रदेश के 4 संस्थान टॉप 100 में जगह बना सके हैं, जिनमें बिट्स पिलानी 32वें, एम्स जोधपुर 86वें, वनस्थली विद्यापीठ 87 और MNIT जयपुर 91 स्थान पर है। आपको इनके ऑर्डर्स भी याद रख सकते हैं, 32 के बाद में 86, 87 एंड 91, इस तरीके से याद रख लीजिए। देखो 86, 87 मतलब एक के बाद एक एम्स जोधपुर और वनस्थली विद्यापीठ, और फिर 3-4 छोड़ने के बाद में MNIT जयपुर, ठीक है। परंतु हाइब्रिड ऑनलाइन एजुकेशन में इन संस्थानों का स्कोर अति न्यून रहा। SMS मेडिकल कॉलेज 100 से 150 श्रेणी में शामिल हुआ है। SMS मेडिकल कॉलेज की तो रैंकिंग और ज़्यादा पीछे आई है, जबकि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भी आ सकता है। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी की गई राज्य की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तो इनोवेशन करने में हम कौन से स्थान है, 12वें स्थान पर आते हैं। राजस्थानी इनोवेशन करने में प्रथम स्थान पर आनी चाहिए, परंतु कौन से स्थान पर आ रहे हैं, 12वें स्थान पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी कमियां हैं। भारत नवाचार सूचकांक के तरीके संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, है ना, कौन सा, भारत नवाचार, भारत इनोवेशन, नवाचार क्या होता है, इनोवेशन होता है, सूचकांक के तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुमन बेरी की पोस्ट क्या है, है ना, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, या नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, 4 नाम दे देंगे, तो आपको सुमन बेरी याद रखना है कि नीति आयोग के क्या है, ये उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, कौन होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इस सूचना में राज्य की सूची में तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे, राजस्थान को 12वां स्थान मिला है, है ना, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश कौन से, 13वें स्थान पर, छत्तीसगढ़ का अंतिम 17वें स्थान पर रहा। बड़े राज्यों की सूची में 17 राज्य, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की सूची में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 9 राज्य व शहर शामिल किए गए हैं। सूचकांकों को वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर तैयार किया गया था। नीति आयोग की ओर से जारी इनोवेशन इंडेक्स में राज्य श्रेणी में एक बार फिर कर्नाटक ने बाजी मारी है, और कर्नाटक कौन से स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर और केंद्रीय शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ अव्वल स्थान पर रहा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे से पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उससे पहले आप क्या करें, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और आप ये भी बताइए कि आपको ये सीरीज़ आगे चालू रखनी है या नहीं, है ना, आप बताएंगे उसी अकॉर्डिंग चलेंगी सारी चीज़ें। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप बताइए यस या नो में, जो भी है ना, उसी अकॉर्डिंग हम मेहनत भी करें तो उसका हमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए। अब देखिए, तो तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ से देखेंगे उदयपुर स्थित किस झील को हाल ही में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो यहाँ से हम आगे से पढ़ेंगे, है ना, पिछोला झील से हम आगे देखेंगे। आ जाइए, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। आप लोग अपना, सब लोग अपना ध्यान रखिए।